आखिरकार मनोज तिवारी ने बता दिया कि असली स्टारगिरी क्या होती है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मनोज तिवारी सांसद भी हैं, जाने माने कलाकार भी हैं, हीरो भी रह चुके हैं और आज भी हीरोगिरी कायम है। सांसद बनकर भी खूब वाहवाही बटोरी है और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। भाजपा के बड़े नेताओं की लिस्ट में इनका नाम आता है और सभी लोगों के चहेते हैं मनोज तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि रवि किशन भी सांसद हैं। सांसद होने के साथ साथ वो भी बीच बीच में फिल्में करते रहते हैं, वेब सीरीज करते रहते हैं और भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे उनके दर्शकों, उनके चाहने वालों का मनोरंजन होते रहता है। दोस्तों, एक लंबे टाइम के बाद मनोज तिवारी ने फिर से गर्दा मचा दिया है। गर्दा इसलिए मचा दिया है क्योंकि एक गाना रिलीज हुआ है, गाना टी सीरीज से रिलीज हुआ है। वैसे तो उस गाने के गायक हैं कृष्णा मित्तल, कोई नए गायक हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल इस गाने में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और ये गाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोमांटिक सॉन्ग है। इसमें एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह, जी हाँ अक्षरा सिंह, और उनके ऑपोजिट मनोज तिवारी मृदुल है, जी हाँ वही मनोज तिवारी जिन्होंने भोजपुरी में एक अलग ही इतिहास रच दिया और अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचाया जहाँ मनोज तिवारी को देख कर कोई भी आदमी खुद को भोजपुरिया कहने में शर्म महसूस नहीं करता है बल्कि गर्व होता है। जब मनोज तिवारी की फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो लोगों ने भोजपुरी के एक नए अध्याय को देखा और वहाँ से फिल्मों का दौर जो दब चुका था वो फिर से शुरू हो गया। तो आपको बताते चले कि मनोज तिवारी ने फिर से कैसे साबित कर दिया है कि भाई साहब बाप बाप होता है। बाप इसलिए होता है क्योंकि सीनियर, बड़ा भाई, जितने भी कलाकार हैं जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा और भी अन्य, उनके लिए तो भाई साहब मनोज तिवारी बाप समान ही हैं, उनके सबसे सीनियर हैं और सीनियरिटी में सबके बाप हैं और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। टी सीरीज पर गाना जब ये रिलीज हुआ तो एक दिन में ही 4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। 4 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं टी सीरीज पे, वो भी मनोज तिवारी का। जी हाँ, मनोज तिवारी एक लंबे टाइम से काम नहीं कर रहे थे और जैसे ही ये गाना आया तो भाई साहब 4 मिलियन व्यूज। यहाँ तो भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वैसे किसी का एक दिन में 1 मिलियन व्यूज अगर आ जाए तो वो 50 पोस्टर सोशल मीडिया में डाल देता है। अगर 2 मिलियन व्यूज आ जाए तो केक कटने लगता है और 3 मिलियन व्यूज आ जाए तो लोग पता नहीं क्या कर देते हैं। तो आपको बताते चले कि एक दिन में 4 मिलियन व्यूज बटोरने वाले मनोज तिवारी आज भी स्टार है। भाई साहब स्टारगिरी बरकरार है और इन्होंने साबित कर दिया है कि भाई साहब बॉस तो अभी हम लोग हैं। कुछ लोग कहते नज़र आ रहे थे कि हमारी फिल्में नंबर वन हैं, हमारी फिल्में नंबर वन है, लेकिन ऐसे में दिनेश लाल यादव एक दिन लाइव आ गए और उन्होंने कहा कि अभी तो 1 नंबर पर निरहुआ हिंदुस्तानी है, 2 नंबर पर निरहुआ हिंदुस्तानी 2 है और 3 नंबर पे हमारी निरहुआ हिंदुस्तानी 3 है। तो 1, 2, 3 की जगह तो खाली ही नहीं है, फिर तुम में से कौन सा आ गया जो 1 नंबर साबित हो गया। भाई साहब अभी भी मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव बनने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये तीनों स्टार वाकई में बहुत बड़े सुपर स्टार हैं। ये जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे माहौल को बदल के रख देंगे। तो आपको क्या कुछ लगता है, मनोज तिवारी आज भी स्टार हैं या नहीं है, कॉमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ और, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।